डोनाल्ड ट्रंप का नया पैंतरा व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए रखी ये बड़ी शर्त। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पेच अभी भी व्हाइट हाउस को लेकर है। ट्रंप ने अभी भी व्हाइट हाउस को खाली नहीं किया, आखिरकार व्हाइट हाउस छोड़ने के संकेत दिए हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी है। ट्रंप का कहना है कि अगर जो बाइडेन को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है तो वह व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि वह हार नहीं मान सकते। यह पूछे जाने पर कि क्या इलेक्टोरल कॉलेज वोट से जो बाइडेन की जीत की पुष्टि होती है तो क्या वह व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, इस पर ट्रंप ने कहा, निश्चित रूप से मैं करूंगा और आप यह जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी चुनावों में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की 15 तारीख को ऐसा ट्वीट किया है जिससे अमेरिकी चुनाव को लेकर एक बार फिर से कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। अपने ट्वीट संदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मैं चुनाव जीत गया। अमेरिका में अब तक हुई वोटों की गिनती में जो सामने आया है उसमें डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन की जीत मिलने की बात कही गई है, लेकिन ट्रंप का यह ट्वीट नए सिरे से भ्रम पैदा कर रहा है। ट्रंप के ट्वीट के नीचे ट्विटर ने अपनी तरफ से लिखा है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए हैं वह ट्रंप के दावे से अलग हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।